नमस्कार दोस्तों, मैं हम्बल ट्री की तरफ से आज आपको बताने वाला हूँ आईसीएमआर के नए रिसर्च के बारे में, जो कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ऊपर है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इंडिया 2000 हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ये रिसर्च करने वाला है। इसके बारे में आपको डिटेल से ही बताने वाला हूँ। ये रिसर्च आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि इंडिया की माननीय संस्थान है, सरकारी संस्थान है, जो कि मेडिकल रिसर्च के ऊपर ध्यान देती है, इसका एक सब इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कोलेरिया एंड इंट्रिक, जो कि इस डाटा को पूरा गैदर करेगी 2000 हेल्थ केयर वर्कर्स का और वो पब्लिश करेगी, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि आखिरकार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लोगों के ऊपर असर कैसे करता है। सेम इसी डेट को लेसेंट ने 2003 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। दोस्तों 2003 में जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो उसमें ये बताया गया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लेने से लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा खराब इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि आपके ऊपर कोई हार्म इफेक्ट नहीं आएगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का यूज मलेरिया जैसे ड्रगों के लिए किया जाता है। दोस्तों जब आपको हाई डोज ऑफ मलेरिया लेना होता है तब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन डॉक्टर देते हैं, तो इसका उपयोग नॉर्मली लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए और आप इसे किसी को रिकमेंड भी ना करें। इसके बाद क्या होगा, अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गवर्नमेंट देती है डॉक्टर्स को, तो इंडिया की गवर्नमेंट एक तीर से दो शिकार कर रही है। वो कैसे, हेल्थ केयर वर्कर्स को जब वो ये दवा देगी तो इससे वो सेफ भी रहेंगे और इंडिया इससे डाटा भी गैदर कर लेगी। जब इंडिया के पास डाटा गैदर हो जाएगा तो उसका उपयोग किया जाएगा ताकि हम इस दवा को और डेवलप कर सके और इसे हम और लोगों को भी दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वायरस मरती नहीं है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लेने से, ये बस आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जिससे कि आप इस वायरस से अच्छी तरह से लड़ पाते हैं और आपके शरीर मजबूत रहती है ताकि इस तरह की वायरस आपको जल्दी छू ना पाए। एक और बात दोस्तों, जब आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो, यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन के साथ दी जाती है। इस कॉम्बिनेशन के डोज होने से लोग सांस अच्छी तरह से ले पाते हैं। इंडिया इस पैंडेमिक के दौरान पूरे के पूरे वर्ल्ड को, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फ्री में दी है और कुछ कंट्रीज के साथ ट्रेड की है जो पैसे दे सकते थे, जैसे कि नेपाल जैसी कंट्री को इंडिया ने ये मेडिसिन फ्री में दी है। और दोस्तों हम जानते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ग्लोबल फार्मा इंडेक्स में, यानी कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में तीसरी कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा होता है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया इस महीने दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई मैन्युफैक्चरर बन चुकी है आफ्टर चाइना। पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसका उपयोग किया जाता है दोस्तों वायरस आपके शरीर तक ना पहुंचे। हम जो ग्लव्स और जो बॉडी सूट डॉक्टर्स को देते हैं, स्पेशली वो बोला जाता है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और आज से 3 महीने पहले तक दोस्तों हमारे पास कोई भी पीपीई की मेजर कोई कंपनी नहीं थी, आज इंडिया ने इतनी बड़े चाइना के बाद इसे एस्टेब्लिश कर लिया है। ये हमारे आगे की मार्केटिंग में भी बहुत सहायता देने वाली है। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस रिसर्च के क्या अपडेट्स होते हैं मैं वो लाता रहूंगा, और भी यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स मटेरियल को मैं यूं ही इसी चैनल पे अपडेट हर एक दिन करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए।